नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले भाई कि आईपीएल 2020 है वो तो खत्म हो गया, लेकिन 2021 जो है उसको लेकर काफ़ी आशंकाएं जताई जा रही है फैंस द्वारा और जो भी भाई फ्रेंचाइजी हैं उनके द्वारा, क्योंकि भाई सबकी इच्छा है कि एक होना चाहिए मेगा ऑक्शन आईपीएल 2021 के लिए, ताकि जो भाई सारी टीमें हैं वो सेटल हो जाए। बात करें भाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, तो उनमें जो भाई हमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकता है आईपीएल 2021 को लेकर के। और दोस्तों भाई ये भी एक खबर निकल के सामने आ रही है कि आईपीएल 2021 में जो है 9 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। दोस्तों भाई उस टीम का क्या है नाम ये भी पता चल गया है और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे बड़े फैन है भाई आप आईपीएल के, आपकी कौन सी फेवरेट टीम है कमेंट करके बता दीजिए। और भाई सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आपको जो रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे आपकी टीम से जुड़ी हुई और आईपीएल से जुड़ी हुई। तो दोस्तों हम बात करते हैं भाई कि आईपीएल 2020 से उसका जो सीजन था काफी जो है उतार चढ़ाव वाला सीजन रहा है काफी टीमों के लिए। अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स जो भाई 2019 में रनर अप रही थी, लेकिन 20 का जो आईपीएल हुआ भाई उसमें जो है मैं काफ़ी खराब परफॉर्मेंस से जूझते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें भाई आरसीबी की, तो उनका भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ है। तो दोस्तों भाई आरसीबी की जो कमजोरी है उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी, वहीं पर सब बोल रहे भाई कप्तान विराट कोहली को जो है कप्तानी से निकाल देना चाहिए और भाई एवी डिविलियर्स को जो है कप्तानी में रखना चाहिए। अब दोस्तों बात करें भाई लक फैक्टर की, तो लक फैक्टर की बात करें भाई तो विराट कोहली जो है टीम इंडिया की जो कप्तानी करते, लेकिन उनके कैप्टेंसी के अंडर भी जो है टीम इंडिया एक भी वर्ल्ड कप अभी तक जीत नहीं पाई है। वहीं अगर बात करें भाई एवी डिविलियर्स की, तो उन्होंने भी जो है साउथ अफ्रीका की कमान संभाली थी, लेकिन उनके अंडर भी टीम जो है एक भी कप जीत नहीं पाई है। तो ऐसे में भाई लक फैक्टर भी एक मैटर करता है। लेकिन दोस्तों आपका क्या कहना है भाई इसके बारे में, कि क्या विराट कोहली को कप्तानी छोड़नी चाहिए और बतौर एक प्लेयर खेलना चाहिए टीम में, या फिर एवी डिविलियर्स को भाई कप्तानी संभालनी चाहिए? दोस्तों आप भी जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं भाई आईपीएल 2021 को लेकर के। 2021 में भाई जो है एक टीम आ रही है नई, और जिस टीम की भाई लेकर के एक मेगा ऑक्शन होने का प्लान कराया जा रहा है, ऐसा सौरव गांगुली का कहना है। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो भाई 2021 में जो नवी टीम आएगी उनका जो भाई सिलेक्शन होगा वो होगा दिवाली के बाद। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के बाद भाई फ्रेंचाइजी आएंगी और वहाँ पर देखा जाएगा कितनी फ्रेंचाइजी आ रही हैं, क्या उस टीम के लिए 2-3 फ्रेंचाइजी मिल के जो है पैसा लगा रही हैं, या फिर एक ही फ्रेंचाइजी है जो अपनी टीम के लिए पैसा लगाएगी। दोस्तों ये भाई दिवाली के बाद जो है कन्फर्म हो जाएगा, और उसके बाद भाई प्लान होगा कि मेगा ऑक्शन रखा जाएगा या फिर मिनी ऑक्शन रखा जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगर मेगा ऑक्शन या मिनी ऑक्शन रखा जाता है तो कब हो सकता है ये मेगा और मिनी ऑक्शन? दोस्तों भाई अगर आती है नवी टीम तो भाई मेगा और मिनी ऑक्शन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है दिसंबर और जनवरी के महीने में। अगर भाई नवी टीम नहीं आएगी तो जो ऑक्शन है वो हमें देखने को मिलेगा भाई जनवरी और फरवरी के महीने में। दोस्तों भाई ये जो है एक महीने का डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है नवी टीम के आने से और ना आने से। अब बात करते हैं भाई जो नवी टीम आएगी उसका नाम क्या है? दोस्तों भाई जो नवी टीम आएगी उसका नाम है अहमदाबाद। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद अभी जो फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन अगर नवी टीम आती है तो उसका जो नाम है अहमदाबाद से रखा जाएगा। अब दोस्तों भाई बात करते हैं अगर अहमदाबाद आएगी तो उसके लिए मेगा ऑक्शन ही रहेगा, क्योंकि भाई मिनी ऑक्शन में कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मेगा ऑक्शन के लिए भाई जो प्लेयर्स हैं काफ़ी सारे प्लेयर्स जो टीम में बदलाव होगा और अहमदाबाद को एक अच्छी टीम मिलेगी। अब दोस्तों भाई अगर मेगा ऑक्शन होता तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान रहेगा, वो नुकसान होगा भाई मुंबई इंडियंस, क्योंकि भाई मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जिनमें काफ़ी जो स्टार खिलाड़ी भरे हुए हैं और मैच विनर है जो कि आईपीएल 2020 में हमें देखने को मिला है। तो भाई अगर हम बात करें तो ईशान किशन, क्विंटन डिकॉक, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, राहुल चहर, ट्रेंट बोल्ट, जेम्स पैटिंसन और फिर भाई नेथन कुल्टरनाल, ये सारे ऐसे स्टार हैं जो इस साल उभर के आए हैं और इनकी ट्रेडिंग हो सकती है मेगा ऑक्शन में। दोस्तों देखने वाली बात होगी भाई कि आईपीएल का मेगा ऑक्शन होता है नवी टीम से आने के बाद की नहीं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है भाई इसके बारे में, आप भी जो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और भाई आईपीएल 2021 का अगर ऑक्शन होता है तो बेंगलुरु टीम को एक अच्छा खासा फायदा होने वाला है, क्योंकि भाई बेंगलुरु टीम को एक चाहिए मिडिल ऑर्डर में अच्छा बैट्समैन। तो भाई डेविड मलन जो है ऐसा बताया जा रहा है कि वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, और कमेंट्स भी आ रहे हैं उनके ऊपर ढेर सारे। दोस्तों भाई देखना होगा भाई कि आरसीबी डेविड मलन को इस ट्रेड में खरीदती है कि नहीं खरीदती है। तो दोस्तों भाई आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद है भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे बड़े फैन है भाई आप आरसीबी के, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के, किंग कोहली के, एवी डिविलियर्स के, और भाई सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको जो रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।